हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है एग्जाम्पल नंबर टू एंड एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर फोर से तो देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर फोर में है शो दैट द टू ए एंड पी इनवर्स ए पी यानी एक मैट्रिक्स आपकी ए है और दूसरी मैट्रिक्स है पी इनवर्स ए पी हैव द सेम करेक्टरिस्टिक रूट्स आपको ये बताना है कि इन दोनों का जो करैक्टरिस्टिक रूट्स होंगे वो सेम होंगे अब सेम करटरिस्टिक रूट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर लेमडा है तो ए माइनस लेमडा आई और आपकी जो दूसरी मैट्रिक्स है कौन सी पी इनवर्स ए पी माइनस लेमडा आई अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं हम ये प्रूफ कर दें कि स्टेब्लिश कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों की करेक्ट्रिस्टिक वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है यानी कि इक्वल आ रही है ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम इसको एक बी के बराबर मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं तो पी इनवर्स ए पी सपोज़ करिए कि पी इनवर्स ए पी जो है वो एक बी मैट्रिक्स के बराबर है तो बी माइनस लेमडा आई वही बात हो गई कि बी माइनस लेमडा आई क्रिएट करिए यहाँ पर तो बी माइनस लेमडा आई को लिख सकते हैं पी इनवर्स ए पी और माइनस लेमडा ये लिखने का एक तरीका है ठीक है एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट भी है इसे याद भी रख सकते हैं आगे के लिए आप तो कैसे राइटिंग करना है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ माइनस लेमडा आई अब देखिए आई को आप क्या लिख सकते हैं या ये कहिए कि पी इनवर्स पी जो है वो आई के ही बराबर होगा क्यों क्योंकि इनवर्स है और एक मैट्रिक्स पी है उसका इनवर्स है तो आई के बराबर लिख सकते हैं तो यहां पर हमने पी इनवर्स लेमडा आई पी लिख लिया बिल्कुल सही है ये क्योंकि पी इनवर्स भी मिलकर के मैट्रिक्स हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स पे हमारी ठीक है तो ये हो जाएगा अब यहाँ लिखा क्यों पहला सवाल क्योंकि पी इनवर्स और पी यहाँ पर भी है तो पी इनवर्स इधर से कॉमन लीजिए आप लेफ्ट साइड से P आप ले लीजिए राइट साइड से तो P इनवर्स A माइनस लेमडाई पी हो जाएगा बनाना भी हमें यही है A माइनस लेमडा आई करके ठीक इसलिए इन दोनों को देखते हुए P इनवर्स और इस पी को देखते हुए यहां भी P इनवर्स और P इंट्रोड्यूस किया गया है ये कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है थ्योरम की तरीके से समझिए इसको आप तो इसे आपको समझ करके बिल्कुल सल्यूशन को याद करना होगा ठीक है अब यहाँ पी इनवर्स ए पी हो गया अब यहां पर बी माइनस लेमडाई हमने कहा था आपसे ये चीज कि इसकी डिटर्मिनेंट लेंगे तो b माइनस लेमडा आई ठीक है ये चीज़ तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ले लिए दोनों तरफ तो यहाँ क्या हो जाएगा p इनवर्स a माइनस लेमडा आई पी आप डिटर्मिनंट को फिर आप ये अलग, अलग अलग भी कर सकते हैं अगर डिटर्मिनंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का और इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनंट राइट डाउन कर सकते हैं तो सबको अलग अलग कर दिया ये तीन पार्ट में अलग कर दिया अब ये वाला a माइनस लेमडाई यहाँ लिख लिया आपने े आपने राइटिंग यहां कर ली ये यहां कर ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन टू बी इज इक्वल टू बी इन टू ए नंबर सिस्टम में अब इन दोनों को फिर मर्ज कर दीजिए आपस में तो पी इनवर्स पी हो जाएगा और पी इनवर्स पी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी तो यहां यूनिट मैट्रिक्स हो गई तो ए माइनस लेमडा आई यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो वन होता है तो यानी ए माइनस लेमडा आई आ जाएगा तो आप यहाँ ध्यान से देखिए बी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू ए माइनस लेमडा आई जो कि हमने यहाँ कहा था कि अगर हम ये प्रूफ कर देंगे ये स्टेब्लिस कर देंगे तो दोनों के करेक्टरिस्टिक रूट्स सेम हो जाएंगे तो चूंकि दोनों के पॉलिनोमियल सेम सेम आएंगे यहां पर इसलिए रूट्स भी है तो टू मैट्रिसेस ए एंड पॉलोमिस्टिक डिटर्मिनेट्स इनके करेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेट्स जो है या इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो इक्वेशंस बन जाएंगी करेक्टरिस्टिकमिनेट्स आर सेम हैव द सेम करेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेट्स एंड देयरफॉर द सेम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हैंस द सेम करेक्टरिस्टिक रूट्स यानी अगर डिटर्मिनंट करेक्टरिस्टिक डिटर्मिनंट सेम है तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन uh, भी सेम हो जाएगी और इसलिए उनके जो करैक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो भी आपके सेम हो जाएंगे तो इस तरह आपने प्रूफ कर लिया कि टू मैट्रेसिज ए एंड पी इन वर्स ए पी हैव द सेम करैक्टरिस्टिक रूट्स तो आई थिंक ये एग्जाम्पल पूरा समझ में आ गया होगा इसी लेक्चर में एक एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे दैट इज एग्जाम्पल नंबर फाइव है और इन सारे एग्जाम्पल्स को आप राइटिंग में करिएगा और ये नोट्स अगर आपको चाहिए जिन पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पीडीएफ फॉर्म में ऐप में अपलोड कर दिया हमने है और ऐप आप, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से ऐप का नाम है कुमार मैथ्स क्लासेस तो देखिए एग्जाम्पल फाइव शो दैट इफ़ लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल में यहाँ लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन आर लेटेंट रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए किसी मैट्रिक्स के एन रूट्स दिए हैं यानी कि मैट्रिक्स हमारी एन क्रॉस एन ऑर्डर की होगी देन यहाँ प्रूव करना है आपको ए में कि ए इनवर्स हैज द लेटेंट रूट्स यानी अगर हम मैट्रिक्स ए के रूट्स मानते हैं लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा एन तो तक तो जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी उसके लेटेंट रूट्स आइगन वैल्यूज या करेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ कहिए वो उसके रिसिप्रोकल में आएंगे यानी कि वन अपॉन लेमडा वन वन अपॉन लेमडा टू वन अपॉन लेमडा एन और अगर ए स्क्वायर के निकाले जाएंगे तो वो स्क्वायर में चले जाएंगे लेमडा वन स्क्वायर लेमडा टू स्क्वायर लेमडा एन स्क्वायर ये नेचुरल प्रॉपर्टी है एक ठीक और अभी प्रूफ भी कर लेंगे एक क्यूब के यानी ए क्यूब रूट्स हैम्डा टू क्यूब एंड लेमडा एन क्यूब ऐसे फोर का भी हो सकता है इसी तरह एक की पावर माइनस टू का भी कर सकते हैं लेकिन चूंकि इस एग्जाम्पल में तीन ही चीज़ें प्रूफ करनी है तो हम लोग ये कर लेंगे तो चलिए देखिए मान लीजिए कि लेमडा लेट लेमडा बी एनी आइगन वैल्यू ऑफ ए देन देर मस्ट एग्जिस्ट इन आइगन वैक्टर एक्स नॉन जीरो वैक्टर होगा कॉलम वैक्टर जो है ये नल मैट्रिक्स है एक्स नॉट इक्वल टू तो नल मैट्रिक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू तो लेमडा एक्स ये लाइन कहाँ से लिखी ये डिफिनीशन से लिखा है जब करेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे थे उस समय हमने ये आपको बताया पिछले वीडियोज देखिए उनमें सब एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वन यानी ये क्वेश्चन से क्यों क्योंकि A का ही तो करना है, इसलिए A से जब आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे प्री कहते हैं और जब आप राइट right साइड से कर रहे होते हैं तो उसे पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं ठीक है तो ये ए लेफ्ट की पोजिशन में है और हमें इसे यहां से एलिमिनेट करना है और इधर डेवलप करना है तो किधर राइट साइड में तो एनवर्स एक्स और यहां एसडा एक्स हो जाएगा पूरा समझ में आ गया होगा इसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ से आप लिख सकते हैं इनवर्स A ए A, इसको ब्रैकेट शिफ्ट किया जाता है एसोसिएटिव लॉ में एक्स लिख लिया लेमडा इनवर्स एक्स स्केलर को आप चाहे ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर बात एक ही है अब यहां पर आई एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स या एंटी मैट्रिक्स और लैमडा ए इनवर्स एक्स ठीक ये एक्स इज इक्वल टू लेमडा ए इनवर्स एक्स हो गया अच्छा एक बात ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि जब आप ये लिख रहे हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स तो लेटन रूट्स क्या है लेमडा है और मैट्रिक्स क्या है ए तो जब हम ए इनवर्स के निकाल रहे होंगे तो हमारे पास राइटिंग किस तरह से होनी चाहिए ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स टाइप का होना चाहिए भाई तो यहाँ ए का निकाला तो लेमडा है अब हम ए इनवर्स का निकाल रहे हैं तो कुछ वैल्यू म्यू टाइप की आएगी तो यहाँ राइटिंग अगली स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे देखिए ऐसे कर लेंगे इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ठीक और ये लिख सकते हैं वन अपॉन लेमडा एक्स तो ध्यान से देखिए तो इनवर्स लेट्रूट कैसे निकल रहे हैं रिसीप्रोकल में आ रहे हैं अपॉन में आ रहे हैं ठीक है तो चलिए देखिए यहाँ पर एनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन लेक्स इज इक्वल ऑफ द यानी दन अपॉन है कंपेयरिंग सेकंड विद यानी ये जो सेकंड है और जो आपके पीछे वन इक्वेशन है ये देख रहे हैं ये वन वाली अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो ए का लेमडा है तो ए इनवर्स का वन अपॉन लेमडा आ रहा है ठीक कंपेयरिंग सेकेंड विद वन वी फाइंड दैट म्यू विल बी आई गन वैल्यू ऑफ यूनिवर्स दस इफ़ लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन बी आई गन वैल्यूज ऑफ ए दिन द आई गन वैल्यूज ऑफ ए यूनिवर्स विल बी आप कह सकते हैं म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री एंड म्यू एन होगा लेकिन म्यू वन की वैल्यू कितनी होगी वन अपॉन लेमडा अगर हम म्यू वन भी लिख देते हैं तो वन अपॉन लेमडा वन म्यू टू लिखते हैं तो वन अपॉन लेमडा टू दैट इज रिसिप्रोकल रूट्स ही आने हैं किसके आईगन वैल्यूज ऑफ यूनिवर्स विल बी वन अपॉन लेमडा वन अपॉन लेमडा टू एंड वन अपॉन लेमडा एन तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ए इनवर्स के जो रूट्स निकलेंगे वो रिसी में होंगे और कैसे राइटिंग करना है ये वीडियो एक से दो बार देखिए और राइटिंग भी करते चलिए आप इसका बी पार्ट जिसमें ए स्क्वायर के रूट्स आपको लेमडा वन स्क्वायर लेमडा टू स्क्वायर लेमडा एन स्क्वायर दिखाना था तो देखिए ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स लेकर चलिए फ्रॉम वन यानी कि आपने कहा है कि मैट्रिक्स ए के जो लेटरेंट रूट्स हैं करेक्टर्स वैल्यूज हैं वो लेमडा है सो so दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स इसमें ए से मल्टीप्लाई करिए तो ए इधर भी मल्टीप्लाई होगा यानी प्री मल्टीप्लाई करिए दैट इज ए स्क्वायर एक्स लेमडा ए एक्स ठीक इस ए को आप इन साइड ले गए अब इस ए एक्स को फिर से लिख दीजिए ए एक्स को लिख सकते हैं लेमडा एक्स फिर लिख दीजिए लेमडा एक्स राइट तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इस बात को फिर से एक बार जरा नोटिस कर लेते हैं कि जब हमारा लिखा है ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स और जब लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स तो ए के करेक्टरिस्टिक रूट क्या हुए लीजिए ए के करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या आ रहे हैं ए के करेक्टरिस्टिक रूटा लेके चल रहे हैं तो ए स्क्वास्टिका स्क्वायर लेमडा टू आइगन वैल्यूज लेमडा स्क्वायर दैट इज आप लिख सकते हैं डॉट लेमडा एन स्क्वायर ये प्रूव कर दिया इसका ठीक है थर्ड पार्ट था क्यूब के लिए क्यूब के लिए एक बार आप देख लीजिए यहां लिखा था कि ए क्यूब हैज द लेट एंड ट्रूट लेमडा वन क्यूब लेमडा टू क्यूब एंड अप टू लेमडा एन क्यूब तो क्यूब के लिए कोई मुश्किल नहीं है जब स्क्वायर निकाल लिया एक बार इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए वैसे तो सॉल्व योर सेल्फ लिखा ही चुकी है हमारी पीडीएफ है हमारे नोट्स है ये तो नोट्स में इसी टाइप के आपको मिलेगा तो यहां अगर ए से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और ए लेमडा स्क्वायर एक्स इसमें मल्टीप्लाई करिए ठीक है तो क्या होने वाला है ये ये हो जाएगा ए क्यूब एक्स और ये लैमडा स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा और फिर ए एक्स को रख सकते हैं क्या आप लैमडा एक्स तो ये हो जाएगा लैमडा लैमडा एक्स यानी अल्टीमेटली क्या इंप्लाई करेगा इंप्लाई करेगा कि ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर था ये तो ये हो जाएगा क्यूब लैमडा क्यूब एक्स राइट तो देखिए ए इस क्यूब एक्स इज इक्वल टू लेमडा क्यूब एक्स दैट इज ए क्यूब के जो करेक्टरिस्टिक रूट्स आ रहे हैं वो लेमडा क्यूब आ रहे हैं यानी कि लेमडा वन क्यूब दैट इज ये लैंग्वेज लिख के कि ए क्यूब हैज आइगन वैल्यूज लेमडा वन क्यूब लेमडा टू क्यूब अप टू लेमडा एन क्यूब तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा राइटिंग और बेहतर तरीके से आप कर लीजिएगा कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है इस लेक्चर में आपने दो एग्ज़ाम्पल सीखा एग्जाम्पल नंबर फोर और एग्ज़ाम्पल नंबर फाइव आई थिंक दोनों समझ में आ गए हैं इनकी राइटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल ये याद हो जाएंगे दोनों सल्यूशन्स थैंक यू सो मच